हेलो एवरीवन, मैं हूं अपशा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। फ्रेंड्स, आप नए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं हैवेल्स के एयर फ्रायर में फ़िश की रेसिपी, और साथ ही हम बनाएंगे ये मसाला जो इसको अलग ही टेस्ट देने वाला है और अलग सी कोटिंग भी करेगा। ये साथ ही बहुत ही टेस्टी लगने वाला मसाला है, तो रेसिपी को पूरा देखिए फ्रेंड्स। यहाँ पर मैंने ये फ़िश फिले लिए है, ये बासा फिश का फ़िश फिले है, इसमें कांटा नहीं होता है तो मुझे ये खाने में ईजी लगती है, तो मैं ज़्यादातर यही फ़िश यूज़ करती हूँ। यहाँ पर मैं फ़िश के बड़े बड़े पीसेस कट कर रही हूँ, आप जैसे चाहें उसको छोटे पीसेस में भी काट सकते हैं, बड़े पीसेस में भी कट कर सकते हैं, और फ़िश भी आप चाहें जो ले सकते हैं। तो मैं फ़िश फिले से बनाना पसंद करती हूँ क्योंकि मुझे यही सबसे अच्छी लगती है, इसमें काटा निकालना नहीं पड़ता है इसीलिए। तो आपको जो पसंद हो वो फ़िश आप इसमें ले सकते हैं और सेम मसाले के साथ इस रेसिपी को आप फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बनाने वाले हैं ये एक मसाला, यहाँ पे मैंने एक बोल ली है, उसके अंदर डाला है मेरा अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने घर में ही बनाया है। तो ये मैंने यहाँ पर लिया है 1.5 चम्मच यानी 1.5 टीस्पून जितना, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ क्योंकि फ़िश में कई बार सॉल्ट होता है, तो आप भी अपने फ़िश के अंदर सॉल्ट है या नहीं उसके हिसाब से नमक ऐड कर लीजिए। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून जितना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है, इसमें रंग बहुत अच्छा आता है। साथ ही 1/2 टीस्पून जितना मैंने हल्दी पाउडर डाला है, आप चाहें तो नॉर्मल लाल मिर्ची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर तीखा नहीं होता है, सिर्फ कलर अच्छा आता है, इसलिए मैंने डाला है। यहाँ पर 1 टीस्पून जितना मैंने डाला है धनिया पाउडर और 1/4 टीस्पून जितना मैंने डाला है गर्म मसाला पाउडर। साथ ही डाल रही हूँ मैं यहाँ पर फूड कलर, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, मैं यहाँ पर 2 पिंच जितना फूड कलर डाल रही हूँ क्योंकि मैं इसको रेस्टोरेंट स्टाइल लुक देना चाहती हूँ। अगर आपको पसंद है तो फूड कलर डालिए, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं, उसके बिना भी हमारा फ़िश का जो रेसिपी बहुत ही अच्छा लुक देने वाली है। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून जितना वाइट विनेगर यानी सिरका डाला है और 1 टीस्पून जितना ही मैंने यहाँ पर दही भी ऐड कर दिया है इसके अंदर। तो वाइट विनेगर जो है वो सिंथेटिक विनेगर होता है। साथ ही हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स फ़िश के लिए कसूरी मेथी 1 टीस्पून जितना मैंने इसमें डाल दी है, और ये कसूरी मेथी जो है वो सूखी वाली है, ड्राई कसूरी मेथी है वो डाल दी है। तो इस सबको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं और ये हमारा एक अच्छा सा पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये एक टिप है फ्रेंड्स, आप अगर ये सारे मसाले ऐसे ही फ़िश के ऊपर डाल देंगे और उसको रब करेंगे तो कहीं पर वो अच्छे से मिक्स होता है, कहीं पर नमक मिर्च कम ज़्यादा भी लग जाता है। तो मैं यहाँ पर इसी तरह से फ़िश मैरिनेट करती हूँ, एक बोल के अंदर सारा मसाला डालकर मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं यहाँ पर इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून यानी 1 टीस्पून जितना सरसों का तेल। ये थोड़ा सा तेल मैंने इसमें ऐड किया है जस्ट हमारी फ़िश जो है थोड़ी मॉइस्ट रहने के लिए, तो क्योंकि हम इसे हेल्दी कुकिंग करने वाले हैं और हैवेल्स के एयर फ्रायर में बनाने वाले हैं तो ऑयल फ्री है ये, बट मैंने यहाँ 1 टीस्पून जितना ऑयल डाला है। साथ ही मैंने यहाँ पर ऐड किया है 1 टीस्पून जितना ही चावल का आटा, राइस पाउडर। अगर आपके पास राइस पाउडर नहीं है तो आप अरारोट भी डाल सकते हैं, कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स, और अगर आपके पास वो भी नहीं है तो इसको आप छोड़कर भी बना सकते हैं, क्योंकि हम इसको ऑयल फ्री और हैवेल्स के एयर फ्रायर में बनाने वाले हैं तो ये वैसे भी बहुत ही अच्छी क्रिस्पी बनने वाली है। तो यहाँ पर ही हमारा मैरिनेशन रेडी हो गया है, अब हम इसको अप्लाई कर देंगे फ़िश के पीसेस के ऊपर, और एक तरफ मैंने पूरा लगा लिया है, इसको फैला लिया है अच्छे से। अब हम इसको पलट देंगे सभी पीसेस को और वहाँ पर भी अप्लाई कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हैवेल्स के एयर फ्रायर में बनाने वाली ये रेसिपी बहुत ही हेल्दी है, आपको विदाउट ऑयल फूड अगर पसंद है, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है तो ज़रूर बनाइए इसके अंदर। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि हमारी हेल्थ के लिए ये बहुत ही अच्छा है, इसलिए आप हैवेल्स का ये एयर फ्रायर लीजिए और
इसके बारे में मैं अपने चैनल पर वीडियो डाल चुकी हूँ इसकी अनबॉक्सिंग के लिए। आप मेरे चैनल पर जाकर हैवेल्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, उसका वीडियो देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा है और बहुत अच्छी कुकिंग होती है। यहाँ पर मैंने मैरिनेट कर दिया और 10 मिनट के लिए फ़िश को रख दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है सुंदर सा हमारा ब्यूटीफुल हैवेल्स का एयर फ्रायर, जो कि इसके साथ एक ये बुकलेट भी आई है ताकि हमारी कुकिंग जो है बहुत ईजी हो जाए। इसके बारे में सारी जानकारी मेरे चैनल पर मैंने अपनी अनबॉक्सिंग वीडियो में डाल रखी है, आप वहां से देख सकते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं फ़िश, जो हम ऑटो मेन्यू से बनाने वाले हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें बुकलेट के अंदर ये टेबल दे रखी है और इसमें ये फ़िश की रेसिपी दी हुई है, सॉरी फ़िश की बारे में दे रखा है टेबल में। तो यहाँ पर 160 डिग्री सेल्सियस पर ये बनने वाली है और इसके हिसाब से इसमें टाइम है। तो ये ऑटो कुक मेन्यू है तो हम उसी को फॉलो करेंगे। और वैसे इसके अंदर आप टेम्परेचर और टाइमर जो है प्लस माइनस के बटन्स हैं उससे भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये ब्यूटीफुल सा हैवेल्स का एयर फ्रायर है और इसकी ये अंदर की एक रैक है जिसके ऊपर हम फिश के पीस जो है मैरिनेट किए हुए इस पर अरेंज करेंगे। और ये एक ट्रे है, डिपिंग ट्रे है, जिसके अंदर ऊपर से अगर कुछ भी मसाला ड्रिप करेगा नीचे गिरेगा तो वो इस ट्रे में गिरेगा, पानी भी गिर सकता थोड़ा एक एक बूंद जैसा, तो वो इसमें कलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको ऑन कर दिया है, ये देखिए इसमें लाइट जल गई है और पावर बटन दबाने से ये ऑन हो गया है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले रख देंगे हमारी जो ड्रिपिंग ट्रे है, उसको नीचे एडजस्ट कर देंगे, बहुत आराम से चली जाती है ये। और ये हमारा जो फिश जब कुक होगा एयर फ्रायर के अंदर, तो इसमें से कुछ भी मसाला या थोड़ा सा पानी जो भी डिप डिप करके गिरेगा वो सब इस ट्रे में कलेक्ट हो जाएगा, तो हमारा जो ये एयर फ्रायर है बिल्कुल भी अंदर से गंदा नहीं होगा। और ये जाली है, नॉन स्टिक जाली है, इसके ऊपर हम ये फिश को देखिए फ्रेंड्स मैंने अरेंज कर दिया है। तो ये यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमें ये पीसेस जो हैं ओवरलैप नहीं करने, आराम से फैला कर रखने हैं। तो ये मैंने सभी पीस को इसमें आराम से फैला दिया है, रख दिया है और इसको हम डाल देते हैं हमारे ये एयर फ्रायर के अंदर। तो ये गया हमारे एयर फ्रायर के अंदर हमारी फ़िश की ट्रे, बहुत इजीली अंदर इंसर्ट हो गई है। और अब हम इसको कर देंगे बंद। बंद करने के बाद ये देखिए फ्रेंड्स, लाइट अपने आप ऑफ हो जाती है और अब हम इसको ऑन कर देते हैं। ये ऑन किया मैंने और इसमें ये सारा जो है ऑटो कुक मेन्यू दिखा रहा है। तो ये मैंने फ़िश का पिक्चर बना है उसके ऊपर प्रेस किया तो ये टेम्परेचर आ गया 160 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ये कुक होना शुरू होगा। और अपने आप ही टाइमर जो है वो सेलेक्ट कर लेता है, 12 मिनट इसने सेलेक्ट किए। तो मैं आपको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पर अभी हो गया ये 9 मिनट रहा है और ये टेम्परेचर दिखा रहा है 160 डिग्री 160 डिग्री सेल्सियस पर हमारी एयर फ्रायर में फ़िश बन रही है। तो इसको कुक होते हुए फ्रेंड्स अब बस 1 मिनट रह गया है और हमारा जो ये टाइमर है ऑफ होने वाला है, ये ऑफ हो गया है और यहाँ पर ये एक बीप दे रहा है तो उससे हमें पता चल जाता है कि टाइमर ऑफ हो गया है। अब हमारे फ़िश बनकर तैयार हो गए। बीच में आप चाहें तो फ़िश अगर बहुत थिक है या बोन वाली है तो उसको पलट भी सकते हैं बीच में रोक कर। तो मैंने एक सा ही पकाया, ये देखिए जैसे ही हम ऑन करते हैं लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो गई है और अंदर से हमारे फ़िश जो है वो दिख रही है। तो ध्यान रखना है फ्रेंड्स, इसमें निकालते हुए आप ग्लव्स ज़रूर पहनें क्योंकि हॉट एयर है इसके अंदर से जो निकलती है वो बहुत ही, एयर फ्रायर है तो हॉट एयर बहुत ज़्यादा होती है तो जलने का डर रह सकता है। तो अपना फेस और हाथ अच्छे से ध्यान से दूर रख के उसको निकाल लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छा बनकर तैयार हुआ है, अंदर से एकदम अच्छे से कुक हो गई है, मुझे दिख रही है यहाँ पे। और ये कलर तो बहुत ही अमेजिंग आया है, बहुत ही खूबसूरत आया है। तो मैं आपको ये पलट के दिखा देती हूँ, ये देखिए अच्छे से क्रिस्पी बना है और एकदम विदाउट ऑयल कुकिंग, तो मुझे तो बहुत ही खुशी हो रही है बनाकर। और ये पलट के मैं आपको दिखा रही हूँ, अच्छे से क्रिस्पी फ्राई हो चुका है ये, अंदर से बिल्कुल अच्छे से पक गया है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है, दोनों साइड से अच्छा सा क्रिस्पी फ्राई हुआ है। सॉरी आदत पड़ी हुई है हमारी डीप फ्राई खाते हैं तो फ्राई बोलने की, बट ये अच्छे से हॉट एयर में हमारा एयर फ्रायर में बन चुका है, गर्म हवा से पकता है, इसमें तो ऑयल डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए हमारी ड्रिपिंग ट्रे, इसमें जो भी थोड़ा बहुत मसाला और पानी जो है ड्रिप ड्रिप करके गिरा था तो ये इसमें कलेक्ट हो गया। और साथ ही अंदर से हमारा जो ये एयर फ्रायर है बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल भी गंदा नहीं हुआ है। तो ये देखिए, हेल्दी कुकिंग करना है तो आप इसको ज़रूर परचेस कीजिए।
इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। मैंने इसको परचेस किया, वहां से आप भी ले सकते हैं। और ये मैंने इसको निकाल लिया है सर्विंग प्लेट में, तो ये नॉन स्टिक है, इसमें बिल्कुल भी स्टिक नहीं हुई है, ये आराम से निकल गई है। तो फ्रेंड्स मैं आपको इसमें एक पीस मैं आपको ऑयल में फ्राई करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर ऑयल डाल दिया है और इसको गर्म होने देते हैं। तो मैं आपको दोनों का कंपैरिजन करके भी दिखाने वाली हूँ, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। ये एक पीस मैंने बचा लिया था और इसको मैं ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। तो आपको डीप फ्राई करने के लिए ऑयल तो चाहिए ही, और हमने हेवल्स एयर फ्रायर में जो बनाया है उसके अंदर हमने सिर्फ एक टीस्पून जितना मैंने ऑयल डाला था, वो भी उसको मॉइस्ट रखने के लिए। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी फिश जल गई है मेरी, क्योंकि मैंने हाई फ्लेम पर इसको कुक कर दी है। और पर मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहती हूँ कि हम ये जो हम ऑयल में फ्राई करने वाले हैं वो फ़िश कैसी दिखी, मतलब कैसी है, और वो विदाउट ऑयल जो फ़िश बनने वाली है वो कैसी है। तो थोड़ी सी ये चिपक गई और मैंने जल्दीबाजी में इसको फ्राई किया, तो ये जल भी गई है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ऑयल का टेस्ट करा के दिखाने वाली हूँ, क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ एक टीस्पून जितना ऑयल डाला था। और हमने जो डीप फ्राई की है वो फ़िश भी हम टिश्यू पेपर पर निकाल लेते हैं, और ये मैंने इसी के साइड में यहाँ रखी है। ये देखिए आप टिश्यू पेपर में भी कितना सारा ऑयल लगा है, और ये भी हमारी फ़िश तैयार है बनकर। तो मैंने यहाँ पर प्लेटिंग कर दी है, इसको हरी चटनी के साथ मैंने सर्व किया है। तो ये मेरी बेटी है मिनी मास्टर शेफ, ये ऑयल चेक कर रही है, तो इसने टिश्यू पेपर लेकर उसे टैप करके देखा है, दबा कर देखा है, तो उसमें बिल्कुल ऑयल नहीं है। और जो हमने डीप फ्राई किया है ऑब्वियसली उसमें तो ऑयल है ही, तो हमारे हेल्थ को कितना ऑयल नुकसान करता है ये बताने की ज़रूरत नहीं। आप सभी जानते हैं कि ऑयल को हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होता है, तो जितना हम कम कर सकते हैं उतना तेल को कम खाना चाहिए। तो आपकी हेल्थ के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप ज़रूर इस तरह से कुकिंग करें और हेल्दी रहें। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने इसको परचेस किया है और इसमें कुछ कुकिंग की है, आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आई है, और आपको इसकी कुकिंग कैसी लगी। क्योंकि मैंने तो इसको खा के देखा है, ये बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत अमेजिंग फूड बनता है इसमें, और डीप फ्राई से भी बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। तो आप अपनी सेविंग से भी इसको ले सकती हैं लेडीज़, अपना अगर आपके बजट से बाहर है ये, तो आप इसको से अपना पॉकेट मनी से थोड़ा थोड़ा सेव करके और इसको ख़रीदिए, क्योंकि ये हमारी फैमिली के लिए विदाउट ऑयल कुकिंग जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज के ज़माने में हमें और डीप फ्राई और ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि हम जितना अवॉइड कर सकें उतना तेल से बचें। तो मेरा सजेशन है आपको कि ये ज़रूर परचेस कीजिए, और इसमें इस तरह से जो ऑयल फ्री फूड है आप बनाकर खाइए, हेल्दी कुकिंग कीजिए। आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आप मुझे फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, साथ ही आप नई रेसिपी क्या देखना चाहते हैं वो भी जरूर बताइएगा। तो नई रेसिपी के साथ बहुत जल्द मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, हैव अ